कहने को भेड़िया था बट असली में बिल्ली निकला हुआ और वैसे उसी तरीके से निकला। बिल्ली भी नहीं, भीगी बिल्ली। और तू बता भाई, मैं टट्टी के ऊपर कैसे नीचे, तू दूर आ गई क्या भाई? सो हेलो जी, कैसे हैं सभी? तो आज भी मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज और अपडेट्स हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं एल्विस यादव और फुकरा इंसान से। तो क्या एल्विस यादव ने फुकरा इंसान को बहुत ही ब्रूटल रोस्ट कर दिया? बेसिकली आपको पता होगा प्लेग्राउंड के पिछले सीजन में फुकरा इंसान भी फीचर हुए थे और उनकी टीम का नाम था ट्रिपल ए बियर बुल्स, लेकिन अभी प्लेग्राउंड के सीजन में वो नहीं है। तो उनकी इसी टीम को लीड करने के लिए उर्फी जावेद ने शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली, जिस पर एल्विस यादव ने उनकी टीम को ढाल बनाकर फुकरा इंसान को बहुत ही ब्रूटल रोस्ट कर दिया। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं कह रहा हूँ उर्फी जी, पिछली बार भी आया था एक वाइल्ड कार्ड मेंटो और अपनी यही वाली टीम लेके ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स, बट कहने को भेड़िया था बट असली में बिल्ली निकला हुआ और वैसे उसी तरीके से निकला। बिल्ली भी नहीं, भीगी बिल्ली। आल्सो एल्विस यादव से रिलेटेड एक और बहुत ही बड़ी न्यूज है। दरअसल उनके दो बहुत ही बड़े गाने सिस्टम और बावली यूट्यूब से डिलीट हो गए हैं। जी हाँ, और अगर आप इन सॉन्ग को यूट्यूब पर प्ले करोगे तो आपको कुछ ऐसा नोटिस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम्स बाय आर पार म्यूजिक। बाकी अभी एल्विस यादव ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल बिग बॉस हाउस के अंदर बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं और इस वीकेंड के बारे में सलमान खान ने भी उनकी तारीफ करी, लेकिन उन्होंने एक चीज के लिए सलमान खान और सभी घर वालों के सामने अविनाश को सॉरी बोला। बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले रजत दलाल ने अविनाश को ये बोल दिया था कि तुम्हें घर में देखकर लड़कियां सेफ फील नहीं करती, जिस पर अविनाश भी काफी ज्यादा भड़क गए थे। वेल इसीलिए अविनाश को बाहर से भी काफी ज्यादा हेट मिल रही थी और उनकी फेस वैल्यू पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। तो इसीलिए इस वीकेंड के बारे में रजत दलाल ने अविनाश को सबके सामने सॉरी बोला और उन्होंने कहा कि मेरा इंटेंशन बोलने का वो नहीं था, लेकिन अगर आपको और आपकी फैमिली को इसके लिए बुरा लगा तो मैं दिल से बहुत ही बड़ा सॉरी बोलता हूँ। जिस पर अविनाश ने कहा, अरे कोई बात नहीं भाई, थैंक्स। और सलमान खान ने भी उनको काफी ज्यादा अप्रिसिएट किया। बाकी आप सभी की इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं रचित्रू और क्रेजी दीप के बारे में। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। दरअसल हुआ ये कि क्रेजी दीप ने रचित्रू को फनी वे में रोस्ट करते हुए एक वीडियो को डाला था, तो उनकी इसी वीडियो पर रचित्रू ने भी लाइव पर रिएक्शन दिया और वो इस फनी रोस्ट वीडियो को अपने दिल पर ले गए और उन्होंने इसी फनी वीडियो के लिए क्रेजी दीप को बहुत ही ज्यादा सुना दिया और इसके बाद इसी रिएक्शन का बाकायदा 40 मिनट का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, जिस पर अभी क्रेजी दीप ने उनके इसी वीडियो के काउंटर में एक और वीडियो अपलोड किया और इस बार उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उनको बहुत ही ब्रूटल और पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई दिया, यहाँ तक कि उनके ही वीडियो से उनको ही रोस्ट कर दिया। आप उनके वीडियो से ही छोटी सी क्लिप देखिए। आज मैं जिस पर्सन के बारे में बात करने वाला हूँ वो पहले गेमर था, फिर उसने देखा कि भाई गेमिंग सीन में तो भैया कोई लड़की हो तो बिना टैलेंट के भी उसके सब्सक्राइबर बन जाए, उसी फील्ड में उसको नहीं भाई, गेमिंग चैनल फीमेल क्रिएटर्स का सबसे स्लो गेन होता है मेरे भाई, समझे ना। क्या स्टूपिड है भाई तू, क्रेजी थी, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई तेरे से। इंडिया में सबसे, गाइस इंडिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर चार फीमेल क्रिएटर्स का नाम बताओ जो कि गेमिंग में है, चार फीमेल क्रिएटर जो कि गेमिंग में है उनका नाम बताओ मेरे को। रचित तू चार नाम पूछ रहा है और सात नाम तो तेरे कमेंट सेक्शन में दृष्टि ने लिख दिया भाई तेरी ऑडियंस ने। अब मेरी जान खाना खा ले, चुपचाप बकचोदी मत कर। अब पायल गेमिंग के 5 मिलियन भी फॉलोवर नहीं है और पायल गेमिंग के जो एवरेज व्यूज जो आते हैं ना वो बहुत ही कम है एज कम्पेरिजन टू मेल गेमिंग चैनल्स। तो ये तो बहुत गलत चीज है कि भाई फीमेल क्रिएटर्स के अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और यूट्यूब अगर वो गेमिंग करें तो नहीं भाई। कुछ कुछ है जो कि प्रिविलेज होता है ब्यूटी का। पायल दिखने में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है, लाइक कुछ लोग मतलब बहुत सारे लोगों को, एंड विच शी इज, वो बहुत ज्यादा लाइक नॉर्मल लड़कियों से ज्यादा सुंदर है तो इसलिए उसके इंस्टाग्राम फॉलोवर बहुत ज्यादा है भाई। रचित मेरे भाई, यही तो मैंने बोला था कि फीमेल लोग के, फीमेल गेमर के सब्सक्राइबर इजीली बढ़ जावे, लेकिन भाई उसी चीज को घुमा फिरा के तू बोल रहा है। तेने मेरे को बोल दिया कि भाई तू तो स्टूपिड है, लेकिन सेम चीज रिपीट तू ही कर रहा है। भाई इसने मेरे को बोला था कि मेरे से, मैं मजाक नहीं करूंगा, ठीक है। इसने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करी थी दीप ने, जो कि आई लाइक इट, अच्छा है जो तुम बोल रहे हो, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने दीप को कबड्डी स्ट्रीम के लिए बुलाया था और दीप ने कबड्डी स्ट्रीम होने से 3 दिन पहले बैकआउट कर लिया था, तो या यह भी चीज हुई थी। ये वाला पॉइंट मैं इस वीडियो से हटा सकता था, लेकिन ये चीज बोल के कि भाई दीप ने तो बैकआउट कर दिया 3 दिन पहले मेरे इतने बड़े इवेंट से, रचित ये चाह रहा है कि उसकी ऑडियंस मेरे को हेट करे। या रचित भाई आप मेरी निगेटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब भाई इस साल मेरे घर पे डेथ हुई थी, अगर मैंने स्टोरी टाइम डाली तुमने देखी होगी, तुम्हें पता होगा, तो उसके बाद मैं घर छोड़ के कहीं गया ही नहीं, मैं काफी टाइम से यहीं था। जब रचित भाई और मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई इवेंट में आएगा, तो मैंने बोला भाई आ जाऊंगा। मुझे लगा कि यार तुम्हें पता है भाई जिस घर के अंदर डेथ हुई हो काफी नेगेटिव हो जाता है, तुम बाहर नहीं जाते हो, तो सोशलाइज नहीं किया इतने टाइम पे, तो मैंने सोचा कि चलो इस बहाने भाई दिल्ली जाऊंगा, वीर से लक्ष्य इन लोगों से मिल भी लूंगा। अब भाई मेरी पूरी प्लानिंग हो गई, लेकिन इसके इवेंट के 3 दिन पहले मेरे घर में 2 ही लोग रहते हैं और सेकेंड लोग का पैर फ्रैक्चर हो गया, माइनर फ्रैक्चर, और इसीलिए मैंने रचित को फोन लगाया और मैंने बोला कि रचित भाई मेरी टॉप प्रायोरिटी में लाइफ में मेरी फैमिली है, उसके बाद मेरा करियर,
तो भाई ऐसा कुछ हो गया मेरे घर पे और अब मेरा आने का मन नहीं है, लेकिन अब तेने पोस्टर छपा दिए, तेने मेरी टी शर्ट छपा दी, तो अगर तू फिर भी बोले कि भाई तेरा इवेंट खराब हो जाएगा मेरी वजह से, तो फिर मैं अपनी सिस्टर को अपने घर पे बुलाऊंगा, वो टेक केयर करेंगे मेरी फैमिली की और मैं तेरे पास आ जाऊंगा। लेकिन रचित ने बोला कि कोई बात नहीं दीप भाई, आप आराम से मत आओ, लेकिन आप किसी और क्रिएटर को ये मत बताना कि आप नहीं आ रहे हो। अब क्योंकि रचित ने ये पॉइंट रखा था बेकआउट करने वाला, तो मैंने ऑडियंस के सामने पूरी स्टोरी रख दी। अब तुम लोग डिसाइड कर लो कमेंट सेक्शन में कि मैंने बेकआउट करके गलत किया या नहीं। बाकी आप सभी को क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो आप क्रेजी दीप के चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो बात करते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में। तो इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में मुनावर फारूकी भी आने वाले हैं। जी हाँ, उनसे रिलेटेड एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें मुनावर फारूकी टैलेंट के सेट पर देखने को मिल रहे हैं। आप वो वीडियो देखिए। इसका एंड पता है कैसे होना चाहिए, ये बीट बॉक्सिंग करे और सृष्टि आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बाकी सब्सक्राइब कर देना इसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए।